Okay, so Assalamualaikum. Well, in this video, we'll take a look at limbic system. So the word limbic itself means at borderline or at margin. So uh, previously it was uh, said that the structures which are present at the borderline between the cerebrum and the hypothalamus are regarded as a limbic system. But now we know that uh, it's basically a group of uh, structures, a group of uh, certain uh, portions of brain which are con uh, concerned with the uh, activities of behavior, drive. इमोशंस एंड मेमरीज इन सब फंक्शन को जो रेगुलेट करते हैं स्ट्रक्चर्स उन सबको ओलिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड कर देते हैं सो कौन कौन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें इंक्लूडेड हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सब कलोजल जायरस जस्ट बिलो द कार्पोसक्लोज वी हैव द सब क्लोजल जायरस वी हैव अनादर जायरस दट इज द सिंगुलर जायरस जस्ट अबोव द कॉर्पस क्लोजम वी हैव द इंटीरियर थैलोमिक न्यूक्लियस ऑफ द थैलोमस डेफिनेटली द हिपो कैंपस राइट एंड देन इसे एक्सटेंड करिए होते हैं ऊपर एक ट्रैक्ट जो कि इस कनेक्ट है विद द मैमलरी बॉडीज सो मैमलरी बॉडी इट सेल्फ द हिपो द एमेग्रोलॉयड न्यूक्लियस जो कि बेसिकली किसका पार्ट है बेसिकली गैंग्लिया का पार्ट है राइट द पैरा जायरस द डेंटेड जयरस जो कि बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं द कैंपस इट सेल्फ हम आगे देखते हैं उनको स्टडी करते हैं वन बाई वन सो हिपोकैम्पस फॉर्मेशन द एमग्रोल न्यूक्लियस दिल्कलियर द एलवियस फिम्रिया फोर्निक्स मेमलो थर्मेट ये आगे डिस्कस करते हैं सो सब क्लोजल सिंगुलर जायरस ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं सो वी हैव द सब क्लोजल जायरस वी हैव द सिंगुलर जायरस वी हैव द पैरा हम्पोकैपल जायरस एंड द डेंटल जायरस सब जायरा है जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं सो लेट स्टेल लुक एट द फर्स्ट वन दैट इज हिपो कैम्पल फॉर्मेशन अच्छा हिम्पोकैम्पस इट सेल्फ तो एक हेपो कैम्पस है लेकिन इसमें कुछ अगर हम इसमें कुछ और स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करते हैं कुछ और जायरा को भी इंक्लूड करते हैं तो बन जाता है हेपो कैम्प फार्मेशन फार एग्जाम्पल दिस इज द हिपो कैपस राइट एंड हे वी हैव अनदर जायरस ऑफ द ब्रेन दट इज हम बेसिकली किसी भी ब्रेन के एलिवेशन को जाये

फॉर्निक्स अब वो क्या बला है सो इफ देट वील हैव टू सी दिस इमेज सो अच्छा इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं दैट दिस अमेटलॉयड बॉडी एज वेल एंड हेयर वी हैव दिपो कैम्पस जो कि आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा विद द मेमरी बॉडीज सो ओके सो दिस इज़ बेसिकली द

सो नेर बस क्लोज राइट एंड देन वी हैव दिस रीजन सो दिस इज द हिपो कैंपस दिस इज बंडर फेक्सिंग फ्राम द हिपो कैंपस विद लेटर बिकम्स द एलवियस एंड एलविसन दिस एलविसंटिन्यूस विद्रासन दॉडी ऑफ फोर निग्स एंड टर्मिनेट विद इन दट द मेमोरी बॉडीज सो एक ट्रैक्ट बन गया एक इफ्रंट बन गया किसका हिपो कैंपस का दैन द नेक्स्ट जयरस अकॉर्डिंग टू ब डेंटेड जयरस जो कि जस्ट बिलो ए करव सपोर्शन होता है ग्रे मैटर का हमें अब नजर आ रहा है सो दिस इज बेसिकली मोस्टली इन रिलेशन टू दिस डेंटेड जयरस इज मूविंग इन रिलेशन टू द फॉर्निक्स जो कि स्टार्ट कैसे हुआ था एलवी एस से दैन उसे फिमरिया बना था एंड देन बन गया था उसे बॉडी ऑफ फॉर्निक्स तो ये जस्ट नियर द यू कैन से एलविस मूव कर रहे होता है अप टू द लेवल ऑफ स्प्लेनियम सो एट द लेवल ऑफ स्प्लेनियम प्लेनियम सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द यू कैन से सेलविस और ये बना देता है एंडेशियम ग्रेशियम अब आप सोचोगे एंडोशियम ग्रेशियम क्या होता है इसे बेसिकली एक लेयर होती है थिंसी ग्री मेट्रिक जो ओवर द कॉर्पस क्लोसम हमें नजर आती है और ये दो उसमें बंडल रन करे होते हैं नावि फाइबर्स हम बोलते हैं मीडियल लेटरल लॉन्ग ट्यूटल स्ट्राया तो ये जो हमारे पास पोर्शन होता है डेंटर जायरस का ये उसके बाद कंटिन्यूस हो जाता है इंड्यूशियम ग्लेशियम के साथ और उसके दोनों मीडियल लीटर लॉन्गे टूटल स्ट्राया के साथ एंड एट दी एंड इसने एंड कहाँ पर होना होता है इट विल बी एंडिंग इनसाइड द अंकस जो कि एक जायरस uh, ही है ब्रेन का जो कि यहाँ पर कहीं पड़ा होता है राइट right? सो so, अब हमें दो डिफरेंट पाथर्स मिल गए हैं एक बार मिल गया फ्रॉम द हिपो जो कि फोनिक्स बना रहा था मेमलरी बॉडीज बैंड हो रहा था और सेकंड मिल गया हमें डेंटल जयरस से जो कि कैसे जा रहे हैं एंड हो रहा है कहाँ पर विद इन द अंकस ऑफ दिब्रम और पैरा हिमपोकैम्पल जयरस जो कि हमें कहा कि बिटवीन द कोलेट्रल फिशर एंड एंड दैम्पल फिशर इट सेल्फ सो हे वी हैव द कोलेट्रल फर दो मैम में कौन सा जायरस होगा हिपो या पैरा हिपो राइट सो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ओलिंपिक सिस्टम ओके विद इन द टेम्पोरल लोभ तो हमने सारे जयरा वगैरह तो देख लिया दैन वी हैड दार्ट ऑफिपिक सिस्टम बट बहुत सारा एमेक्ट्रोइड न्यूक्लियस जो कि एमिक्डोड बॉडी भी इसे कहते हैं सो दिस इज प्रेजेंट बेसिकली एट द टिप ऑफ द इफेरियर हॉर्न ऑफ द लिटिल वेंटिकल वो हम नजर नहीं आता तो हमें जिसको एज्यूमिंग कर सकते हैं इसके नियर हमें टिप ऑफ द लिटल वेंटिकल नजर आती है एंड इसके पोस्टिस्ट पर जो फाइबर कनेक्ट कर रहे हैं करते होते हैं विद द टेल ऑफ दॉर्डन न्यूक् जिस होल इज द कॉर्डन निकलियलियर बेसिकल वर्दिकल गिया ऑफ द न्यूक्र ऑफ दरी ब्राम का कनेक्ट हो रहा होता है बाय द द स्टेल ओके सो ऑल्सो फ्रॉम द पोस्टेयर एंड ऑफ द मेटोलाइड न्यूक्लियस वी हैव द ओरिजिन ऑफ फाइबर्स विच कल इज द स्ट्राया मेटुलरिस राइट सो हम इसकी ओरिजिन भी हमें नज़र आती है फ्रॉम द पोस्टेयर पार्ट ऑफ द मेटोलाइट न्यूक्लियस एंड ये आगे जाके कंटिन्यू हो रही होती है विद द सॉरी द बॉडी ऑफ द कॉडेट न्यूक्लियस इट सेल्फ So uh, that was all about the amyloid nucleus, and it has a base, uh, it has a larger basal group and a smaller cortico middle group, right? So uh, this, uh, sorry, this was a was terminalis. So from the posterior end of the amyloid nucleus, we have been the origin of the striate terminalis, which so is connected with the main cortical nucleus, right? Okay. So uh, this was what I was trying to tell you that uh, from the hippocampus we have the origin of the fimbria. So, the, then first the alveus, then the fimbria, then it uh, forms the crust of the fornix, and then two crusts uh, combine at the level of the hippocampal commissure, and then they both continue as the body of fornix, which then divide into two uh, anterior pillars or anterior column to the fornix, which so and encoding within the mammary bodies. And here, the ancus is another uh, fold of gray matter, another gyrus of the gray matter, right? So, ye is this is the samara. बन जाता है सो इट वन ऑफ द इफ़रेंस ऑफ द हिपो और और लिम्बिक सिस्टम दैन कुछ और भी इसके एफरेंट कनेक्शन होते हैं वे सिंगुलर जार्जर्स उसमें भी कुछ इसके uh, उसमें से भी कुछ इसके एफरेंस आ रहे होते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सेप्टल निकलिया नो वट आर द सेप्टल निक्क् विदाउ दैट वी हैव सेप्टल जो कनेक्ट करता था फॉर्न को विदेशन उसके एंटीरियर इंटीरियर पोस्टर भी सम न्यूक् ग्रे मैटर का एक मैथ होता है सेप्टल न्यूक्र तो उसमें से भी कुछ एफरेंस आ रहे होते टर्ड्स दिपो कैम्पस राइट सो स्टाट नाले हम देख लेते हम नोक्स उसको कॉर्डन न्यूक्स कनेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट वी हैव द स्टा मेडोलॉस थाय जो कि बेसिकली ओवर द थे कनेक्ट कनेक्शन दे रही होती है बटवीन दिक्कल एंड सेप्टल न्यूक्र तो वो भी हमें हमें एक तरह का कनेक्शन एफरेंट कनेक्शन मिल जाता है ओके सो इन एडिशन टू दैट वी हैव सम एंटोरनल कॉटेक्स एंटोरनल कॉटेक्स बेसली अनदर एफरेंट कनेक्शन ऑफ द दिस हैपोथेलमस एंटोरनल कॉटेक्स बेसली और फैक्ट्री सेंसेशन से रिलेटेड होता है वो भी इसको कुछ एफरेंट्स दे रहा होता है राइट सो द स्ट्राइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो भी एफरेंट कनेक्शन था बिटवीन द हैबिनोलर न्यूक्लियर एंड द एंटीरियर सेप्टल न्यूक्लियर एंड देन वी हैव अ मेमोथेलेमिक ट्रैक्ट बॉडीज से टूवर्ड्स द न्यूक्लियर एंटीरियर थर्लमैक न्यूक्लियर कनेक्शन दे रहा था वगैरह वगैरह सो इन दिस वे दिस ऑल आर द एंटीरियर और आई शुड से द एफरेंस बल्कि ये तो सारे हैं हम ऑलरेडी के आ चुके हैं सो दिस ऑल आर द एफरेंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम जिसमें हिपोकैम्पस और एंटीरियर कमीशन वगैरह वगैरह सब थैलोमिक एंटीरियर सब थैलोमिक न्यूक् आई एक मेस कंपोनेंट बना रहे हैं सो वी हैव द द करक्स एंड एंडीमेटली बॉडी इज द वेरी इंपॉर्टेंट द दि बेस वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम दैन कुछ फाइबर्स हैं जो इंटीरियर कमीशन से पहले uh, इसमें इसमें सेंट्री ले रहे हैं कुछ हैं जो एंट्री कमीशन के बाद लिम्बिक uh, सिस्टम में से एग्जिट कर रहे हैं सो बिफोर द लेवल ऑफ द एंट्री कमीशन वी हैव सम सेप्टल और uh, कुछ फाइबर्स्टिकले तरफ जाते हैं कुछ फाइबर्स प्रिय ऑप्टिक निकले ऑफ दाइपथल जाते हैं कुछ वेंट्रल आइटम कुछ ऑर्बिटल वगैरह वगैरह तरफ चले जाते हैं देन एट द लेवल ऑफ वेंट्री कमीशन कुछ कॉन्ट्रोलेटल साइड के हिपो में भी जाते हैं वी नो एक uh, हिपो कमीशन होता है हमारे पास दोनों को कनेक्ट करा होता है उसके जरिए से देन कुछ आफ्टर द एंट्री कमीशन कुछ फाइबर्स होते हैं जो लाइक like, हमने देखा कि मैमिलरी बॉडीज में जाता है कुछ फाइबर्स द देन न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में जाते हैं कुछ सिमलर जार्स में जाते हैं कुछ एंड्रोल कॉर्टेक्स में भी जाते हैं

अगेन दस्ट्राइम थल में थल में से कनेक्ट करो होता है राइट एंड देन वी द फंक्शन सो का फंक्शन तो वी नो दैट इट्स कंट्रोल द मेमरी शॉर्ट टर्म मेमरी को लॉन्ग टर्म मेमरी कन्वर्ट करने का काम किसका होता है हिपोकैम्स से काम होता है तो अगर आपका हिपोकाम्स डैमेज हो जाए तो यू विल नॉट बेबल टू रिटेन वट यू आर लर्निंग इन शॉर्ट टर्म लाइक यू विल नॉट बेबल टू रिटेन कि आपने वे भी क्या पढ़ा जो पुरानी मेमरी होगी दैट विल भी रिटेन बट जो न्यू मेमरी नहीं फॉर्म होगी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होगी सो दे विल भी एंड एंटर ग्रेट एमनेजिया के कुछ नया भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो ठीक है कंसर्न विद द बिहेवियर्स ऑफ एक्शन सेक्शुअल ड्राइव्स ईटिंग और ड्रिंकिंग बिहेवियर्स राइट में कंट्रोल करता है लर्निंग में और मेमोरी में रिलेटेड है हाइपोथम स्टार्ट ऑफ द बॉडी जो सारे के सारे रिएक्शंस को सारे के सारे कैन सेप जितने हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं सबको रेगुलेट करें लाइक होमोस्टेसिक स्टेट को मेनटेन करें तो अगर ये नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बॉडी टेम्परेचर ब्रीदिंग रेट हार्ट रेट वो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो दिस वे लिम्बिक सिस्टम इज कंटेनिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्क ऑफ द एज वेल सो दे वी हैव डिजीज कॉल इज अक लूअर बूसर सिंड्रोम जो कि हमने देखा था कि अगर हम किसी एक भी पर्सन की बॉडी में से या उनके ब्रेन में से मे को रिमूव कर दें हमें एक्सपेडेंट किया भी था ऑन द मंकी सो वी सॉ देट देर वॉज एन इमेंस एग्रेशन सीन इन दोज सब्जेक्ट देर वॉज से एन इंक्रीज सेक्शल ड्राइव देर वॉज एबनॉर्मल एटिंग वो कुछ भी खा रहे थे कुछ भी पी रहे थे उनसे ड्राइव बहुत ज़्यादा थी और उनमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा गया था दट वज सिम्टम ऑफ द क्लूवर बूसी सिंड्रोम जो कि होता है ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉपर लिबिक सिस्टम क्योंकि ये बेसिकली एक इन्हेबिटी इफेक्ट दिए हुए होते हैं ऑन ऑल द बेहवियर तो अगर ये नहीं होगा तो इनबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाएंगे एंड देर विल भी एन इमोशनल इंस्टेबिलिटी एज वेल सो दट द रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ एमला जो कि इंपॉर्टेंटें था इन कंट्रोलिंग ऑफ द इमोशन एज वेल सो दैट इज ऑल अबाउट द लिबिक सिस्टम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़